सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी वीएस। तो यार, आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा पिछले वीक से कि कौन है हमारा इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनलिस्ट। क्यों इतना सस्पेंस रखा जा रहा है इंडियाज बेस्ट डांसर के थर्ड फाइनलिस्ट में, क्यों नहीं पिछले वीक इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनली डिसाइड किया, आखिर कौन है इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनली। तो दोस्तों, आप लोगों के जो भी ये मन में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का जवाब आज इस वीडियो में दिया गया है। तो कृपया कर हमारी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीक हमें मिलेगा इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनलिस्ट, पर दोस्तों ये खुलकर नहीं पता चल रहा है कि कौन है इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड। चलिए दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में तीन कंटेस्टेंट के नाम बताएंगे, उन्हीं तीन में से कोई एक जो होगा इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनलिस्ट होगा, और आखिरी में आपको बिल्कुल श्योर भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरे लिस्ट में नाम है उनका नाम है ऋतुजा मैम। ऋतुजा मैम प्रबल दावेदार हैं इंडियाज बेस्ट डांसर की थर्ड फाइनलिस्ट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर नाम है श्वेता वॉरियर मैम। दोस्तों श्वेता वॉरियर मैम का डांस तो आपको पता होगा, वो कितना अच्छा डांस करती हैं और वो अपना नया डांस स्टाइल स्ट्रीटो क्लासिकल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दोस्तों काफी बेहतरीन है और इनका फाइनलिस्ट बनने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है इस वीक इंडियाज बेस्ट डांसर में, क्योंकि दोस्तों इनको दो बार जजेस ने कह दिया आप अगर फाइनलिस्ट नहीं बनी तो आपके लिए बहुत बेकार बात होगी। तो दोस्तों पूरा चांसेस है श्वेता वॉरियर मैम का थर्ड फाइनलिस्ट बनने के लिए। अब दोस्तों तीसरी नंबर पर जो मेरी लिस्ट में नाम है उनका नाम है मुकुल गेन सर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मुकुल गेन सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सेकंड फाइनलिस्ट की रेस में मुकुल गेन सर थे, वो कुछ ही वोट्स केवल पीछे रह गए थे सुबनील पॉल सर से। दोस्तों इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो दोस्तों बहुत ज्यादा है, दोस्तों इनको फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं और इनको वोट भी कई सारे दोस्तों मिले। तो दोस्तों यही तीन बंदे हैं जिनका नाम है ऋतुजा मैम, श्वेता वॉरियर मैम एंड मुकुल गेन सर। दोस्तों इन्हीं तीन टॉप थ्री कंटेस्टेंट में से कोई एक कंटेस्टेंट होगा, वो हमारा इंडियाज बेस्ट डांसर का हमारा थर्ड फाइनलिस्ट होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या श्वेता वॉरियर होंगी थर्ड फाइनलिस्ट, क्या ऋतुजा मैम होंगी थर्ड फाइनलिस्ट, या मुकुल गेन सर होंगी? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर यहाँ तक की आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आखिरी में आपको बिल्कुल श्योर बताऊंगा कि कौन है इंडियाज बेस्ट डांसर का थर्ड फाइनलिस्ट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इंडियाज बेस्ट डांसर के थर्ड फाइनलिस्ट होने चाहिए, जिनके चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनका नाम है मुकुल गेन एंड प्रतीक सर। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेकेंड फाइनलिस्ट की रेस में दोस्तों कुछ ही वोट पीछे रह गया, उसको वोट तो ज़्यादा मिले ही होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मुकुल गेन सर होंगे वो थर्ड फाइनलिस्ट होंगे, पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वाली वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।